हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान और उस आगे बढ़ाते में हम बात करने जा रहे हैं मारवाड़ के इतिहास से। बात करने जा रहे हैं मारवाड़ का कौन राठौड़ राज राठौड़ बात करें राठौड़ 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 कास्ट राठौड़ आ जाता है राष्ट्र को बात करें राष्ट्र शब्द से बना है राष्ट्र बना है राष्ट्र बात करें है अपभ्रंश राष्ट्र कहा जाता है कि बारे में कहा रटूट राष्ट्रकूट कठे कठूट कठे या इसके बाद कठिन कार से पैरा दोस्त तरीके से आया कालांतर में जाकर ये राष्ट्रकूट का अपभ्रंश अपभ्रंश क्या हो जाता अपभ्रंश से राष्ट्र का पैर दोस्त अपभ्रंश अपभ्रंश क्या होता है अर्थात बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है राठौड़ राठौड़ राष्ट्र का अपभ्रंश तो ये राष्ट्रकूट है ये बना है कहा जाता है रठूट शब्द से बना है या रठिल है एक प्रकार से जाति भी की जाति हुआ भारत में राष्ट्र को जाति हुआ करती थी दक्षिण भारत में और इसी सबसे राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूट है ये राठौड़ सब बात करें राठौड़ सब है आ रहा है तो अपभ्रंश शब्द माना जाता है इस प्रकार से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हो जाती है राठौड़ शब्द सबसे पहले बात करें मारवाड़ मारवाड़ के बारे में मारवाड़ जो रियासत है
और इस बात करें पा रहे हैं आप, बात करें बात करने वाला मारवाड़ आपका बाड़मेर, बाड़मेर हुआ कर हुआ करता आते थे कालांतर भजन हुआ तब तक ही अलग आगोर वाला क्षेत्र सारे के सारे मारवाड़ रिया हुआ करते थे रिया करते थे। अब बात करें राठौड़ों के बारे में, बात करें राठौड़ों की बात करें राठौड़ या राठौड़ राजवंश राठौड़ उत्पत्ति बारे में बात करें राठौड़ का जिक्र राठौड़ के बारे में जिक्र राठौड़ आया राठौड़ों का कहा जाता है कि दयाल दास के है दयाल दास की दयाल दयाल दास दयाल दासरी ख्यात के अनुसार क्या माना गया वंशी दयाल दास वंशी राठौड़ कहा जाता है दयाल दास ने ख्यात राठौड़ और दयाल दासरी ख्यात में का उल्लेख किया और राठौड़ों को कहा गया बात भाट या चारण साहित्य कहा जाता है भाट या चारण साहित्य बात करें आठ आठ चारण साहित्य आठ व चारण आठ व चारण साहित्य के अनुसार चारण साहित्य आठ व चारण के अनुसार आठ व चारण साहित्य के अनुसार बारे में कहा गया आपको पता क्या पत्रिका वाता ही क्या माना जाता है कहा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप राठौड़ों है कहा जाता है वह था भाट साहित्य के हिरण्यकश्यप बात करें हिरण्यकश्यप स्थान माना जाता है क्या माना जाता है भाई हिरण्यकश्यप स्थान माना जाता है राठौड़ों ऐसा कौन कहता है कि भाट व चारण साहित्य है भरत चारण साहित्य क्या कहा गया है स्थान हुआ करते अर्थात पर साध भक्त और हिरण्य स्थान उत्पन्न या इनके ने आगे वंश है माने गए है और क्या क्या जानकारियां मिलती और हम देख और क्या मल मिश्रण कहा जाता है और चंद्रवदाई बात करते हैं की बात करने जा रहे हैं बात करने जा रहे हैं हम पुणोत नैन बात करने जा रहे हैं नोत नोत बात कर रहे हैं एक बात कर रहे हैं
बरदाई, बरदाई, बरदाई। एक और इनके साथ एक व्यक्ति का और नाम है कहा जाता है, द्वारा कहा जाता है, बात करें जोधपुर, जोधपुर साथ साथ, और इस बात करें है कहा जाता है यह कन्नौज वाला, गहड़ वालों के क्या माने जाते, राठौड़ के गहड़ वालों के शान माने जाते, कन्नौज, कन्नौज के गहड़ वाल शान माने जाते, क्या माने जाते, शान माने जाते हैं गुणोत नैणसी चंद्र बरदाए, और क्या माने जाते, कहा जाता है क्या बाद में आकर मरुआड़ी आए, बाड़ी में हाँ बस जाते मारवाड़ में, क्या कन्नौज का गढ़वाल शासक था आपको पता है जयचंद गढ़वाल, आक्रमण कर दिया था, आक्रमण ने और तुर्कों ने आक्रमण और बड़ गढ़वाल को पराजित कर मारवाड़ में आक्रमण, मारवाड़ में आक्रमण कहा जाता है द्वारा कर दी जाती, ऐसी मान ये एक तो मुणोत नृसी का ग्रंथ चंद्रबरदाय, चंद्रबरदाय का ग्रंथ है राजरासो, और जोधपुर सार इनको क्या माना जाता जाते हैं साथ बात करें आ जाता है और क्या जाता आ जाता है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बात करें कर्नल जेम्स सर्वाधिक जो है गढ़वाल शासक देखिएगा कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स जेम्स टोड के अनुसार कर्नल जेम्स गढ़वाल, गढ़वाल चंद गढ़वाल शान यानी के बारे में कहा, राठौड़ आकर आगे चल कर्नल जेम्स कहते हैं कि जयचंद्र शान मनाए बताए और शंकर पर चंद ऊर्जा चंद ओझा शंकर जो है चंद ऊर्जा मानते हैं बदायूं, बदायूं बदायूं के गढ़वाल की गढ़वाल की शान मानते हैं, क्या बदायूं की गढ़वालों वाल की शान मानते हैं, क्या मानते भी कौन मानते हैं ऐसा ऐसा मानने वाला है आपके हीरा चंद ऊर्जा इनको राठौड़ों क्या मानते बदायूं के गढ़वाल हुए साथ बात करें कहा जाता है कि राठौड़ों की राजस्थान लगभग चार पांच रीजन मारवाड़ के और बीकानेर की, देखिए सबसे पहले बात करें राठौड़ों की राजस्थान बात करें राठौड़ों की बात करें राठौड़ों राठौड़ों राजस्थान
शाखाएं। राठौड़ों की राजस्थान शाखाएं की बात करें, कहा जाता है शाखाएं मान और अलग अलग चार पांच शाखाएं मानी जाती जाती है। यहाँ पर राठौड़ आस्तिक राठौड़ 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 बात करें ए राठौड़ नो ए राठौड़ राठौड़ बात बात करें एक तो धन राठौड़ एक हस्ती बात करें मारवाड़ के राठौड़ बात करें मारवाड़ के राठौड़ मारवाड़ मारवाड़ के राठौड़ बात करें भाई मारवाड़ के राठौड़ साथ बीकानेर के राठौड़ बीकानेर के राठौड़ के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ों के बाद मांगड़ के राठौड़ मांगड़ के राठौड़ का किया जाता है मांगड़ के राठौड़ क्या जाता है लगभग कहा जाता है राजस्थान में शाखा जाती है सबसे प्रमुख शाखाएं प्रमुख शाखाएं मानी जाती है। हम जी तो प्रमुख शाखा जा रहे हैं प्यारे दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे राठौड़ शाखाएं तो कौन कौन सी कनेर वाली मारवाड़ बारे में पढ़ेंगे मारवाड़ वाली और बीकानेर की राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे दोनों के बारे में हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों। अब जो क्या कंडीशन प्यारे दोस्त क्या कंडीशन अब मारवाड़ के राठौड़ों की बात करें मारवाड़ के राठौड़ मारवाड़ के मारवाड़ राठौड़ बात कर रहे हैं मारवाड़ के मारवाड़ के राठौड़ क्या क्या देखने कहा जाता है कि कोरी का युद्ध होता है कोरी का युद्ध होता है 1194 टावर का युद्ध टावर का टावर का टावर की कहा जाता है कि कोरी को कोरी वर्सेज बताइए वर्सेज चंदगढ़ चंद कहड़वाल 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 चंदगढ़वाल को क्या नाट उतार देता है क्या करता है मारा जाता है मारा मार देता है या खुद के घाट उतार देता है घाट उतार देता है उतार देता है खुद के घाट उतार देता है काल इसी मारा जाने के बाद कहा जाता है पता नाम था का एक काल का एक हरिश्चंद्र चंद्र हरिश्चंद्र का है नाम क्या है प्यारे दोस्त और हरिश्चंद्र का है क्या नाम दे का नाम राम क्षेत्राम इसका नाम क्या मिलता है क्षेत्र नाम मिलता है राम क्षेत्राम राम का पांचवा पुत्र राम का पांचवा पुत्र था राव शिहा कौन था राव क्या था भाई का पांचवा था राव था क्या था का पांचवा पुत्र था का पांचवा पुत्र पांचवा 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 पुत्र क्षेत्राम का पांचवा पुत्र था राव शिहा
और कहा जाता है ये राव शिवा यहाँ से चलकर कहाँ से प्यारे दोस्तों, यहाँ से मारवाड़ में आ जाता है, मारवाड़ में आ जाता है, मारवाड़ में क्या लेने आता है, सावर के हार जाता है, हार जाने की जो होती है क्या होती है, यहाँ पर राव शिया क्या माना जाता है, इसका संस्थापक माना जाता है। सबसे पहले तो ये जयचंद कहाँ का, कन्नौज का शासक, कन्नौज का बड़ा क्षेत्र भारत में पड़ता है, और कन्नौज गढ़वाल जयचंद और गोरी आक्रमण करने की पराजित कर देता है, हार देने की है कौन, हरिश्चंद्र यहाँ पर शासक बने था, क्षेत्राम से होता है, वो कहा जाता है क्षेत्राम के 100 पुत्र, क्या हमें प्राप्त जानकारी प्राप्त होती राम के पकड़ते पकड़ते 100 पुत्र। आज में सिखाते कि 10-15 नार रानियां हो एवरेज दे 5 का वर्ष में, तो पता है कि 100 बात नहीं होगी, है ना, 100 पुत्र माने जाते हैं, और 100 पुत्रों में कहा जाता है तो किसको, राव सिंहा को 50वां पुत्र, 50वां पुत्र, 50वां पुत्र है से 49 पहले हुए 50वें बाद में, कहावत भी है राहुल सिंहा के लिए साथ इस काम के दो पुत्रों क्या होते हैं, या तो पांडु ही सो यात्री होते हैं काम के ये पुत्र। ये राव शिया आता है कहाँ, मारवाड़, कहाँ आता है भाई, मारवाड़, मारवाड़ में पालीवाल, मारवाड़ में कौन पालीवाल, पालीवाल क्या हुआ कर, पाली बाल ब्राह्मण हुआ कर, क्या हुआ कर, ब्राह्मण पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे, पालीवाल ब्राह्मण की रक्षा की, पालीवाल ब्राह्मण रक्षा के लिए रक्षा आया राव शिव आया राव आया मारवाड़, राव शिवा मारवाड़ आया, आया भाई पालीवाल ब्राह्मणों की आया राव शिवा मारवाड़ आया पर बस गया, पर बस गया पर बस क्या, सर्वप्रथम राजधानी है प्यारे दोस्त, राजधानी की बात करें खेड़ बाड़मेर को, राजधानी राजधानी भाई खेड़ बाड़मेर को, खेड़ बाड़मेर को राजधानी भाई खेड़ पड़ता है कहाँ पर प्यारे दोस्त, बाड़मेर पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है, और इसी द्वारा राठौड़ वंश, राठौड़ राठौड़ वंश की रखी जाती, क्या रखी जाती, रखी जाती राठौड़ वंश, राठौड़ वंश द्वारा राव सिंहा के द्वारा रखी जाती, राव सिंहा को ही आदि पुरुष राठौड़ों का कहा जाता है, और राठौड़ों का संस्थापक भी जाता है राव सिंहा। कहानियां हैं, कहानियों के बारे में क्या कहानियां पर, कहानियां तो कहानियां ही होती है, मैं एक बार मैं बता देता हूँ क्या कहानी देखने को, क्या कहानी बारे में मिलती, कहानी मिलती तो कि ये खेतराम थे, खेतराम के पुत्र पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ तो उस टाइम पे आपको पता है कि घड़ियां वड़ियां तो चलती नहीं, घड़ियां चलती नहीं, घड़ियां पैदा घड़ियां नहीं नहीं चलती थी, तो उदाई होती, दादी उदाई को जानते हो आप, उदाई जो जन्म करवाने वाली या पैदा करने वाली तो माँ होती है, लेकिन डिलीवरी करने वाली होती है, क्या कहते थे, दाई कहते थे, वा नहीं करते थे, दाई 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 से कह दिया कि भाई जब भी का जन्म हुआ
वहां पर जहाँ छाया रहती है लाइन खींच कर ठीक है भाई जाएगा। जिसे इसका जन्म हुआ किसका? राव सिंह, राव यानी का जन्म हुआ। दाई तो का जन्म हो जाता है, दाई भूल जाती है, थोड़ी देर बाद उसको याद आती है, अरे यार कि राज आ जाके आती वहां। अब लाइन खींच के तो आपको पता है पैर दो आगे बढ़ गई लाइन, और उसके बाद बताया जाता है आए रावशिया। तो राव क्या हुआ बेटी, क्या हुआ है लाइन नहीं खींची? हाँ बिल्कुल बात खींची, पर कहा जाता है कि खींच लाइन, कहा जाता है तो जैसे हुआ लाइन पंडित जी लाया गया कि ये लाइन रही, अपने अभी तो क्या करते इतने मिनट पर इतने बजे इसका जन्म हुआ। अच्छा जन्म टाइम जिस टाइम पता लगा पास जाते हैं जन्म तिथि तैयार कर देते तारीख और टाइम देख ये कर देते, तो कहा जाता है राव सिंह का जन्म हुआ राव सिंह नहीं। तो बाद वो लाइन खींच गई, लाइन को देखकर पंडित जी कहते हैं कि आप अगर इसका मुंडा देख लोगे, बालक का मुंह देख लोगे तो आपकी मर्जी, का बाप का पिता तू देख लेगा का जो जन्म हुआ है उसका बात नहीं। भगवान की दया से राजी खुशी के खूब सारे बेटे हैं, क्या करेंगे देख ही नहीं साले, देखे ही नहीं। और पता चले कि एक दिन का बालक आ जाता है, संतरी को बताया जाता है संतरी जाओ कि इसको मार के आओ, जल्लादों को बुलाए जाता जल्लादों को बुला, जल्लाद कौन होते जल्लाद अर्थात तो मारने वाले होते हैं जल्लाद कहते हैं। तो जल्लादों को बुलाया गया कि क्या गया जाओ कि इसको मार कराओ, जंगल में ले जाओ और मार दो इसको। जल्लादों ने क्या सोचा, जल्लादों ने सोचा बालक इसको मारे भी इतना एक ही था, बालक इसको मारे कैसे, मारना भी बड़ा खतरनाक। दया एक तरफ आ रही मन में और दया के रहम में मारे भी कैसे, बड़ी चीजें होती है तो मारने में कोई। अब कहा जाता है पैर दोस्त पाती तो किस किस और शेर ने इसको उसी दिन शेरनी ने शावक को क्या था तो पैर क्या कंडीशन, जब बच्चे को दिन शेरनी ने क्या किया था भाई, बच्चे को जन्म दिया था और इसी कहा जाता है एक नहीं दो शावकों को, एक नहीं दो शावकों को कहा कि शेरनी सो रही थी तो शेर को मिले, को मिले कहा जाता है बालक का लालन पालन द्वारा किया, शेरनी के द्वारा लालन पालन किया। तो जिस प्रकार से शेर चले उस प्रकार से वो क्या प्रकार से ये चल रहा था, क्या भाई प्रकार से चलता था चार हाथों पे हाथों पे क्या कंडीशन। एक कंडीशन ये होती प्यारे दोस्त कि अब जिस प्रकार से शेर शिकार करे शिकार करता क्या करता शिकार करता, करने के बाद प्यारे दोस्त कहा जाता है चार पांव चार हाथों हाथों को भी चार पांव। अब एक दिन ये बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाने वस्त्र ये बदन रहता यानी कि फिर वस्त्र था नहीं क्या कंडीशन। एक दिन क्या एक दिन कहा जाता है प्यारे दोस्त को यहां से कुछ पालीवाल जाति के कौन गुजर रहे थे, पालीवाल जाति के ब्राह्मण यहाँ से गुजर, पालीवाल जाति के ब्राह्मण तो पालीवाल जाति के ब्राह्मणों जंगल में आ जाता है शेरों के बीच में रह रख
रख कर उनसे लड़ाई कर रहा और कई सारे शेर उठाकर फेंक रहा। काल ब्राह्मण से कहा, वहां के राजा से कहा, क्षेत्राम से कहा, आया कि राजा जी बात ये, पुरुष को लड़ते नग्न अवस्था में पुल नग्न अवस्था से जी मार मार के लड़ता था, कई शेर उठा के भाई एक बार फिर उसने बुलाए सैनिक, सेना बुलाए, बुलाए कि पकड़ के लाओ कि कोई भी व्यक्ति बैठा बैठा हुआ था वहां, ताकि राजा जी हम जो आपका पुत्र लेकर गए थे गुफा में फेंक मारा नहीं था, और तैरने की गुफा में फेंक दिया था, गुफा में फेंक आपका ही पुत्र, तो ये बात है अपने वाला ये तो क्या हो लेके ऐसे तो आ नहीं सकते भाई, लेकर जाओ सेना के बंदी में आएगा और कर लेके आना कि लेकर बंदी काम के घर कपड़े वपड़े पहना है, मनक दिखा है कि ऐसे मनक है, उसकी भाषा बोलना सिखाए, उसको बोलना चलना सिखाया, सिखाने के बाद युद्ध सिखाया, के बाद कहा जाता फिर कुछ साथ। फिर पालवाल ब्राह्मण यहाँ आ रहे थे भाई भाई करके, राजा जी से मिलने आए तो बात ऐसी है, राजा जी खेत में बढ़िया है और तो परेशानी परेशानी तो एक चीज है, अरे जो वहाँ पर कहाँ पर प्यार दोस्तों हमारे मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र में कि जो डाकू लुटेरों का बहुत साया है, इतने लोग डाकू लुटेरे हैं, मन चाहे ढंग व्यापारियों को देते हैं, खाली बाल क्या थे ये व्यापार करने के, कई बार लुटेरों व्यक्ति को भेजो आप भेजो, और ताकि हमारा कर ले हम के बदले कर देंगे, कह देंगे कर देंगे या कर दे करने के साथ साथ को भेजे किस कोई से भी ले जाओ अपने भगवान की दया से कोई कमी नहीं। कहा सेतराम ने कहा नहीं कि वही वाला भेजो कि जो वहां से जंगल में पकड़ के लाए थे, कहा जाता है तो इस प्रकार से इस को कहाँ भेज दिया है, सिंहा को कहाँ भेज दिया है, दरबार में ये कहानी इनके पालीवाल पालीवाल ब्राह्मण करता है कौन राव, ये कहानी थी प्यारे दोस्तों, ये कहानी है कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, जंगल बुक है आ जाता है हड़ दूध हैरानगढ़ दूध तीरों से लड़ता हुआ व्यक्ति राव सिंह मांगनी राव सिंह हैरानगढ़ दूध मानी प्यारे दोस्तों ये समझ में आया होगा सारी चर्चाएं कहानी थी प्यारे दोस्तों। अब जो हम बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों बात करते आ रहे हैं चलिएगा अब वो अपना करी कार से आपके, अब बात करते हैं रावशी रावशी बात करने आओ 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 सिंह बात कर मारवाड़ का इतिहास पढ़ मारवाड़ का
और कहा जाता है कि इस राव सिंह द्वारा ही आपके मारवाड़ के राठौड़ हुए, अर्थात कहा जाता है 1240 के शासन काल माना, कब माना 1240 से 1233 माना जाता, कब थी 1240 से 1240 से कल माना जाता, बात कर रहे हैं राव सिंह। राव सिंह को राव हाँ मारवाड़ राठौड़ का आदिपुर आदिपुर या तापक तथा नेक्स्ट बात करें राठौड़ वंश की स्थापना, राठौड़ वंश स्थापना राव सिंह राव राठौड़ वंश स्थापना राव के द्वारा 1212 के आसपास कहा जाता है। मारवाड़ में प्रवेश 1212 आसपास मारवाड़ में प्रवेश मारवाड़ में प्रवेश किया था और मारवाड़ में प्रवेश बाद भाई टाइम पे स्थापना की 1212 में ये आ गया था। उसके बाद इसने क्या की कालीवाल ब्राह्मणों शासन काल देखने कर्तव्य 1204 क्या क्या काम था कहा जाता है पाली में कहा जाता है चलेगा। और क्या जिक्र करते हैं हम बारे में राजधानी की बात करें तो अपने राजधानी राजधानी किसको बनाया था भाई राजधानी खेड़ को अपनी राजधानी वहाँ पर पड़ती बाड़मेर वहाँ पर पड़ती बाड़मेर वहाँ पर पड़ती आरंभिक राजधानी। उसके बाद बात करें पहले दोस्तों बिट्ठू कहाँ पर पड़ता है पाली में कहाँ पड़ता है पाली में कहा जाता है इसकी जाती है क्या जाती है मृत्यु जाने के बाद यहीं पर 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 छत्री बनी क्या बनी हुई है आवश्यक क्या होगा पैर आओ सिंह करे मम्मी हर से राठौड़ वंश चलिएगा बारे में पढ़ा हमने राठौड़ हर से राठौड़ राष्ट्रकूट राठौड़ साथ हमने क्या क्या बातें
हमने देखा प्रकार से इनका पाया काल का राठौड़ों कार से उत्तर कार से नहीं और छठी और चारण सहित स्थान माने जाते स्थान माने जाते स्थान माने जाते कालिदास श्री कालिदास इनको काल के चंद गढ़वाल की साथ इसकी शाखाओं के पहाड़ के राठौड़ मारवाड़ के राठौड़ चंद्र चंद्रव्रताय का पुत्र हुआ हरिषि का पुत्र रावशिया राज काल ब्राह्मण या मारवाड़ा या मारवाड़ा या यहीं राठौड़ वंश स्थापना की क्या कहा गया आदि कहा जाता है राम के लग ताने माने याद रखना ठीक है भाई। हरि और क्या क्या जिक्र किया हमने हमने देखा कि किस प्रकार से ये कहा जाता है राठौड़ प्यारे दोस्तों आज के लिए काफी नेक्स्ट क्लास में बात प्यारे